आपके साथ योगिता शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी आज वाराणसी में करेंगे रोड शो, 26 अप्रैल को भरेंगे नामांकन। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने की सप्ताह की दूसरी बड़ी कार्रवाई, गांजा की तस्करी करते व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई आयोजित, कार्यकर्ता ही है कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी चांदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वाराणसी में एक रोड शो करेंगे और गंगा आरती में भाग लेंगे। इसके अगले दिन यानी कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के समय शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत भाजपा और उसके सहयोगी दलों के कई नेताओं के मौजूद रहने की भी संभावना है। लोकसभा चुनाव 2019 में जीत हासिल करने के लिए लोकसभा कन्नौज से गठबंधन प्रत्याशी डिंपल यादव ने लोकसभा क्षेत्र के कस्बा रसूलाबाद में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। कल डिंपल यादव ने कस्बा रसूलाबाद से रोड शो की शुरुआत की और डिंपल यादव की रोड शो में सैकड़ों गाड़ियों के साथ हजारों की संख्या में सपा बसपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। डिंपल यादव के रोड शो में मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की गई है। लूणकरणसर के हनुमान जी के मंदिर में बुधवार को भाजपा से इस्तीफा देने वाले पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। भाटी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल का खुलकर विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देवी सिंह भाटी ने कार्यक्रम में कहा है कि भाजपा प्रत्याशी जातिवाद की राजनीति करते हैं तो समाज के लिए घातक है और आगामी 6 मई को सर्वाधिक मतदाता अर्जुन राम मेघवाल के विरोध में करके उनको भारी मतों से हराने की बात कही। बैठक में लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों से सभी समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। सभी ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने और अर्जुन राम मेघवाल को लोकसभा चुनाव में हराने का संकल्प भी लिया है। कार्यक्रम में बीजेपी के बागी नेता प्रभुदयाल सारस्वत, पूर्व प्रधान संत दास स्वामी, लूणकरणसर सरपंच रफीक मालावत, ओम शर्मा, संत राम भोगलिया सहित अनेक लोग शामिल रहे। झुंझुनू के सूरजगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा की तस्करी करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं इस सप्ताह की मादक पदार्थ तस्करी में दूसरी बड़ी कार्रवाई को थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह यादव ने अंजाम भी दिया है। थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह यादव ने इस मसले को लेकर बताया है कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि तोला से ही गांव के रहने वाले मांगेराम गांजे की तस्करी कर रहा था, जिस पर दबिश देकर चिड़ावा बाईपास पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से 1160 ग्राम गांजा भी जब्त किया गया है। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। मांगेराम पुत्र से पितराम जाति जान निवासी तोला से लोग मुखबिर को सूचना मिली थी कि गुहाना से अवैध गाल दगा करके बिना लाइसेंस का चिरावा में सप्लाई कर रहा है, जिसकी मुखबिर की सूचना पर चिड़ावा बाईपास सुंदरलाल पूर्व विधायक कोठी के पास इतला के पुलिस को पकड़ कर तलाशी ली। पकड़ने के प्रयास किया, जिसे पकड़ा तलाशी ली तो 1160 ग्राम इसके पास गांजा मिला, जिसको वहीं मुक्ति पर कार्रवाई करने का गिरफ्तार किया गया है। और अग्रिम कार्रवाई श्रीमान शिव साहब सीआई साहब संदीप जी ऐसे चुनाव। बीकानेर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन संकल्प सभा की तैयारी को लेकर कल भैरव सिंह शेखावत मीडिया सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल,
महापौर नारायण चोपड़ा, शहर भाजपा अध्यक्ष सत्य प्रकाश आचार्य मौजूद रहे। आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई को बीकानेर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में महाराजा करणी सिंह स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर नरेंद्र मोदी की ये प्रथम बीकानेर जनसभा है। इस जनसभा को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं में अपार जोश है। जनसभा में 1.25 लाख की संख्या लक्ष्य लेते हुए प्रत्येक बूथ स्तर पर मोदी वॉलंटियर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित जनसभा में प्रथम बार मतदान वाले नव मतदाताओं पर सबसे अधिक फोकस किया जाएगा, ताकि वो नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर देश के नव निर्माण से जुड़ सके। वहीं करणी स्टेडियम में होने वाली जनसभा को लेकर सैनिकों और दिव्यांगों के लिए भी अलग से बैठने की व्यवस्था रखी गई है। पाँच बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई जी मोदी बीकानेर की धरा पर पधार रहे हैं। बीकानेर के लिए यह ऐतिहासिक क्षण होगा और हम सब लोग बीकानेर के कार्यकर्ता बड़े उत्साह से आदरणीय मोदी जी की जनसभा को और ऐतिहासिक बनाने के लिए लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि करणी सिंह स्टेडियम में एक ऐतिहासिक जनसभा होगी। हमारी पूरी तैयारी इस दिशा में शुरू हो गई है। प्रत्येक बूथ से हमारा कार्यकर्ता आएगा। दिव्यांगों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था होगी, सैनिकों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था होगी और एक समुचित प्रकार की व्यवस्था करके और हम आदरणीय मोदी जी की जनसभा को ऐतिहासिक बनाएंगे। मैं समझता हूँ उनकी सभा होने के बाद यह हमारा चुनाव एक तरफा हो जाएगा और कांग्रेस की जमानत जब्त होने की स्थिति में हम आ जाएंगे और हमारा उम्मीदवार अर्जुन राम जी मेघवाल जो हमारे मैदान में है पिछली बार से भी बड़े अंतर से जीत कर बीकानेर से निकलेंगे। इस प्रकार का उत्साह हमारे यहाँ पर हम लोग बनाए हुए हैं। कैलाश जी एक सवाल है, मैं आप महामंत्री हूँ और मेरा काम किसी एक लोकसभा में काम करने का नहीं है। हम चार महामंत्री सीएचसी पीएचसी की सफाई अभियान के तहत बुधवार को अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राजा चावला के नेतृत्व में गठित डॉक्टर निदेश डॉक्टर प्रदीप की टीम ने गोगुंदा सायर और पदराजा स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान टीम ने अस्पताल में सफाई व्यवस्था को देखा, जिसमें कमी पाई जाने पर तुरंत प्रभाव से सफाई करवाने के निर्देश दिए। जहां अधिक गंदगी दिखी वहां खड़े रहकर सफाई करवाई गई। गोगुंदा सीएचसी में जयपुर से आई टीम ने अस्पताल पर रंग रोगन दवाइयां, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, पुरुष महिला वार्ड, महिलाओं से सुविधाओं के बारे में पूछा गया। टीम द्वारा अस्पताल में पाई जाने वाली कमी को तुरंत निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। और वहीं अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर चावला ने टीम के साथ मिलकर अत्यधिक गर्मी को देखते हुए सीएचसी पर पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए। सिरोही जिले के आबू रोड में आदिवासी गरासिया समाज का 2 दिवसीय गणगौर मेले का आगाज मंगलवार रात्रि से सियाणा गांव में हुआ है। शाम से ही तहसील के विभिन्न आदिवासी बहुल गांव समेत विभिन्न आदिवासी बहुल गांव समिति पिनवाड़ा देवदल गुजरात से आदिवासियों आवाजाही शुरू हो गई है। इस मेले का मुख्य आकर्षण गणगौर पूजा रही है। सिर पर गणगौर उठाकर आदिवासी महिलाएं और युवतियां पारंपरिक तरीके से वेशभूषा में गणगौर पूजने के दौरान नृत्य करती नजर आई है। मेला कमेटी अध्यक्ष समेत अन्य अधिकारियों की ओर से शाम को मेले में पेयजल वाहनों की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है और इस मेले में पुलिसकर्मी भी तैनात नजर आए हैं। वहीं मेले में पिंडवाड़ा विधायक सामाराम गरासिया, रेतर विधायक जगसी राम कोली मेला स्थल पर पहुंचकर मेले का जायजा ले रहे हैं। पाली सांसद कांग्रेस प्रत्याशी बद्री राम जाखड़ तखतगढ़ बांकली साढ़े राव पावा कोसेलाव सुमेरपुर सहित क्षेत्रों में दौरा कर मतदान की अपील की और इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी बद्री जाखड़ा और रंजू रामावत ने माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया है। इस मौके पर पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा, सरपंच संघ के अध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ललकार सिंह राणावत, करणी सिंह मेड़तिया, जयदेव सिंह राणावत, रंजू रामावत सहित जनप्रतिनिधि भी साथ में मौजूद रहे हैं।
जलूणी विधानसभा के पाल गांव में खेदेश्वर वाटिका में बुद्ध स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हिंडोली अशोक चांदना, जोधपुर के प्रभारी इलाज चंद कटारिया, कांग्रेस युवा नेता विक्रम सिंह बिश्नोई आदि मौजूद रहे। वही बैठक को कांग्रेस युवा नेता विक्रम सिंह बिश्नोई ने संबोधित करते हुए कहा है कि जोधपुर से वैभव गहलोत की जीत तय है। इस मौके पर विक्रम बिश्नोई, खेल मंत्री अशोक चांदना, लाल चंद कटारिया आदि मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।